1947 फर्स्ट कश्मीर वॉर। आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में लश्कर कबीलियों की आड़ में घुसपैठ शुरू की और यह काम इतनी तेजी से हुआ कि सेना को इत्तला मिलने से पहले ही बारामुल्ला पाकिस्तान के कब्जे में था और अब श्रीनगर पर इनकी निगाह थी। भारतीय सेना को तुरंत श्रीनगर पहुंच वहां के हवाई अड्डे को महफूज रखने का ऑर्डर दिया गया और साथ ही बारामुल्ला को भी वापस सुरक्षित करने का आदेश। लेकिन चूंकि उस वक्त कश्मीर में फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट बेहद कम थी तो तुरंत दिल्ली से सिर्फ एक रेजिमेंट की दो कंपनियां ही श्रीनगर भेजी जा सकती थी। श्रीनगर में सेना की यूनिट्स वैसे ही कम थी और कश्मीर को बचाने का जिम्मा अब इन्हीं पर था। इन दो कंपनियां का साथ दे रही थी कुछ छोटी प्लाटून्स और स्टेट फोर्सेस के जवान जो कि कुल मिलाकर 150 के करीब थे और उनके सामने थे दुश्मन हजारों की संख्या में। सबसे पहले इस कंपनी ने बेहद कुशल रणनीति बनाते हुए बारामुल्ला में मौजूद उरी के छोटे शहर में जेलम नदी पर बने लोहे के उरी ब्रिज को नष्ट कर दिया। पाकिस्तानी घुसपैठियों का मूवमेंट यहां दो दिन तक रुका रहा। बारामुल्ला से कुछ ही किलोमीटर पहले माइल 32 पर अब भारतीय सैनिक तैनात थे और सामने से आ रही दुश्मन की फौज पर हमले करने की तैयारी कर रहे थे। उस रोज उन हजारों के आगे मौजूद थे ये कुछ 100। लेकिन लगातार हो रहे मशीन गन और मोर्टर फायरिंग के बावजूद दुश्मन के हमले भारतीय डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहे थे। बड़ी सेना का सामना कर रही इस कंपनी का मकसद साफ था, उन्हें किसी भी तरह दुश्मन को तब तक रोकना था जब तक अतिरिक्त मदद इनके पास नहीं पहुंच जाती। और फिर आखिरकार इन तक मदद पहुंची गई और फिर ये भारी पड़े पाकिस्तानी सैनिक और आतंकियों पर। और फिर जो उन पर हमला हुआ वो दर्ज हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाइयों के इतिहास के सबसे खूनी हमलों में। उस रोज अगर ये सेना बारामुल्ला को नहीं बचा पाती तो पहले श्रीनगर और फिर बाकी का कश्मीर पाकिस्तान के हाथ होता। सेवेज ऑफ कश्मीर बनी सिख रेजिमेंट की वो यूनिट जो आगे जाकर कहलाई 4 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एक ऐसी इन्फेंट्री यूनिट है जिसने राइफल हाथ में लेकर पैदल चलने वाले सैनिक की क्षमता को बदल कर रख दिया। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने उन्हें दी रफ्तार, फुर्ती, सटीक वार करने वाले हथियार और एक बेहद मजबूत सुरक्षा कवच। 1979 में हिंदुस्तान आर्मी के एक बहुत ही माने जाने और बहुत ही काबिल जनरल जनरल सुंदर जी ने इस रेजिमेंट का गठन किया था। उनको हमारे रेजिमेंट के फादर ऑफ द रेजिमेंट भी कहते हैं और उनको इंडियन आर्मी का थिंकिंग जनरल भी कहते हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित जनरल सुंदर जी 1986 से 1988 तक भारतीय सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। उन्हें भारतीय सेना की न्यूक्लियर स्ट्रेटजी में उनके योगदान के लिए जाना जाता है और उस सोच के लिए भी जिसने भारतीय सेना को ट्रेडिशनल वॉरफेयर से फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर के लिए तैयार किया। पहले बार जब मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के बारे में हम लोगों ने बात की वो है 65 की लड़ाई की बात। सो इट इज आफ्टर दैट वी रियलाइज दैट देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ हैविंग द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का गठन इसलिए किया गया था कि इन्फेंट्री के दस्तों को एक व्हीकल में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। और वी ये सारे जितने भी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियंस उस टाइम पे कन्वर्ट की गई थी दे वर ऑल द ओल्डेस्ट ऑफ द बटालियंस ऑफ द रेजिमेंट्स सो दे हैड ग्रेट हिस्ट्री विद देम एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट वाज डन वाज बिकॉज दे थॉट दैट बीइंग द ओल्डेस्ट बटालियंस with the ethos that they had of serving in the Indian Army, they would be easily convertible to a mechanized infantry battalion. हमारे जो founder father थे general के सुंदर जी साहब,
और उन्होंने बोला था इट इज़ द रेजिमेंट ऑफ द फ्यूचर इन टूडेज आर्मी। और उनका ये विजन था कि जैसे जैसे लड़ाई का स्कोप बढ़ेगा, हम पैदल सेना की तरह हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, और अगर दुश्मन को हमने मुकाबला करना है, रैपिडली हमने कहीं पे एंगेज करना है, एडवांस करना है, तो इन्फेंट्री को भी आर्मर की तरह मैकेनाइजेशन देना है। भारत में ऐसी खास इन्फेंट्री की जरूरत 1965 में सामने आई, जब पाकिस्तान से युद्ध तो सेना जीत गई पर कई मायनों में सुधार की गुंजाइश महसूस की। और विश्व भर में सेनाओं का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा था, जिससे भारत भी प्रभावित था। और फिर भारतीय रेजिमेंट्स की कुछ चुनिंदा सर्वश्रेष्ठ बटालियंस को मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियंस में तब्दील किया गया। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में एक चीज यूनिक ये है कि ये इन्फेंट्री के बेहतरीन रेजिमेंट्स को जोड़ के बनाया गया है। सो ऑन हर रेजिमेंट का जो सबसे बेहतरीन यूनिट था, दोज यूनिट्स वर ब्रॉट टुगेदर एंड दैट इज वेयर द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री स्टार्टेड। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।